हेलो गाइस, आई एम हरिनारायण शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव 1 = 2 ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। आपने सुना होगा 1 = 2 नहीं होता, लेकिन हम आज सिद्ध करेंगे। हमने मान लिया कि a = b है, a और b कोई दो डिजिट हैं जो इक्वल हैं, तब दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a² एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा ab। अब लेफ्ट हैंड साइड a² हो गया, तब अब दोनों तरफ है ना -b² कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a² - b² एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा ab - b². अब गणित में हम जानते हैं a² - b² को लिख सकते हैं a + b (a - b), और राइट हैंड साइड में से हम b कॉमन ले लेंगे, तो अंदर a - b बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं हम a + b (a - b). अब ये आ गया। अब दोनों तरफ देखो a - b कॉमन आ रहा है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे या डिवाइड कर देंगे दोनों का, दोनों तरफ a - b से डिवाइड कर देंगे, तो इधर से भी a - b कैंसिल आउट और राइट हैंड साइड से भी a - b कैंसिल आउट, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा a + b और राइट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ b, यानी a + b लेफ्ट हैंड में बचेगा और राइट हैंड साइड में बचेगा सिर्फ b। अब हमने स्टार्टिंग में माना था a = b है, तो हम एक ही जगह b रख सकते हैं, तो हमने एक ही जगह b रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक ही जगह b रिप्लेस करते हैं तो b + b और राइट हैंड साइड = b हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में b + b करेंगे तो क्या हो जाएगा 2b, और राइट हैंड साइड हो जाएगा b। अब b से डिवाइड कर देंगे, आप दोनों तरफ b से डिवाइड करेंगे तो राइट लेफ्ट हैंड साइड बचेगा 2 और लेफ्ट हैंड साइड 1, यानी 2 = 1। हम यही सिद्ध करना चाहते थे। अब हमने 2 = 1 यहाँ तो हो गया, लेकिन अभी तक हमने मैथ में पढ़ा था 2 = 1 होता ही नहीं है। अब ये 2 1 के बराबर कैसे हो गया, आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। हमने कहाँ मिस्टेक की, अब हमने यूज़ तो वैसे सही किया, लेकिन कहाँ मिस्टेक की, क्या गलती की, अब आप खुद अपने हिसाब से देखिए, उसको हम बाद में बताएंगे। अब एक एग्जांपल से इसको एक समझ लेते हैं। हमने मान लिया 2 = 2 होते हैं, तो 2 = 2 होते हैं। अब इसके बाद दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 * 2 और राइट हैंड साइड भी 2 * 2 बचेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 * 2 माइनस भी कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट और लेफ्ट दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 2² - 2² = 2² - 2² अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 * 2 - 2, क्योंकि a² - b² होता है a + b (a - b), और राइट हैंड साइड से मैं कॉमन ले लूँगा 2, तो अंदर क्या बचेगा 2 - 2। तो अब इसको देखो, हमने लिख लिया 2 + 2 * 2 - 2 और राइट हैंड साइड 2 कॉमन तो 2 - 2। अब 2 - 2 दोनों तरफ आ रहा है, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 2 - 2 तो हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो 2 - 2 कैंसिल आउट, तो लेफ्ट हैंड साइड बचा 2 + 2 और राइट हैंड साइड बचा 2। अब हो जाएगा 4 = 2, 4 = 2 आ गया, तो अब 2 से डिवाइड दोनों तरफ कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा 2 और राइट हैंड साइड 1। अब यहाँ भी हमने सिद्ध कर दिया कि 2 = 1 होता है। अब आप सोचिए कैसे 2 = 1 हो गया। अब मैंने भी एक बार सोचा ये कैसे हो गया मेरे से, तो अब आप हमने देखो यहाँ पे किया था 2 - 2 आ रहा था दोनों तरफ, तो हमने 2 - 2 का डिवाइड भी किया, तो 2 - 2 क्या होता है 0 0 / 0 क्या था, तो मैथ में 0 / 0 का कोई मीन्स ही नहीं है, वो अनडिफाइंड होता है। 0 / 0 कुछ भी आ सकता है, 0 / 0 कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने कर लिया 1 * 0 = 0 और 7 * 0 = 0, है ना, तो 1/7 = 0/0 आ रहा है। ऐसे ही 2/7 भी 0/0 कुछ भी हो सकता है, मतलब 0/0 का कोई मीन्स ही नहीं है, अनडिफाइंड होता है मैथ में। तो बस यही थोड़ी थी, ऐसे हम कर नहीं सकते मैथ में 0/0, हम कभी वैलिड ही फॉर्मूला नहीं है, वैलिड ही नियम नहीं है, 0/0 हम कर नहीं सकते, लेकिन हमने यहाँ पे 0/0 किया। बस ये थोड़ी सी अपने तोड़ मोड़ के ऐसे कर दिया, 2 = 1 ले आए, तो अब सिद्ध हो गया 2 = 1 होता है।